किड्स स्निच, किड्स स्निच। एक घने जंगल में बहुत पुराना पेड़ था जिस पर बहुत सारी चिड़ियां रहती थी। वो हंसी खुशी से वृक्ष पर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। ला 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 ला। ए, चलो हट जाओ यहाँ से, उधर जाओ। तुम मुझसे हमेशा झगड़ा क्यों करती रहती हो? देखो ना, इधर बेल बढ़ रही है। उफ़ो। इन लोगों की लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। उफ़ो, मैं तो तंग आ गई हूँ। हाँ। वहीं दूसरी तरफ एक कौवा बेहद दुखी था। भगवान ने मुझे दूसरी चिड़ियों की तरह प्यारा सा नहीं बनाया है और आवाज भी बेहद कर्कश दी है। दो बार काए काए बोल दूं तो लोग मुझे पत्थर मारकर भगा देते हैं। लोग अपने पास भी नहीं आने देते। खाना पानी देना और पालना तो दूर की बात है। काश भगवान ने मुझे तोता या चिड़िया बनाया होता। अरे अरे, सुबह सुबह मुझे क्यों कोस रही हो? मुझे प्यास लगती है तो दूर दूर तक उड़ना पड़ता है। कहीं पानी मिलता भी है तो थोड़ा सा, वो भी मटके में पत्थर डालकर बहुत मेहनत करने के बाद ही मिलता है। फिर खाना खाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि तोता मोर जैसे पक्षियों को देखिए, लोग उन्हें खाना देते हैं, प्यार करते हैं। ठीक है, तो तुम बता दो तुम क्या बनना चाहते हो, मैं तुम्हें वही बनना दूंगा। सच में? एक काम करो, जिस भी पक्षी जैसा तुम बनना चाहते हो उनके साथ कुछ समय बिता लो, जिससे तुम्हें कोई पछतावा न रहे कि काश मैं कोई और पक्षी बन जाता। आज शाम तक जो भी बनना चाहती हो तुम मुझे बता देना। कौवा तोते के पास जाता है। तुम कितने प्यारे हो, तो तुम्हें लोग पालना चाहते हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम तो इंसानों की भाषा भी बोल लेते हो। तुम्हें इंसानों की भाषा बोलना इतना पसंद है, तुम्हें क्या पता हमें क्या क्या भुगतना पड़ता है। भगवान ने हमें उड़ने के लिए इतने सुंदर पंख दिए हैं, लेकिन हमारी आजादी ये इंसान छीन लेते हैं। हमारा हंसता खेलता कुंभा उजड़ जाता है, हम बेहद दुखी होते हैं। हम लोग जब बेहद छोटे होते हैं तो हमको ये इंसान हमारे घोंसले से निकाल कर हमें हमारे परिवार से अलग कर देते हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए। हमारे गुण ही हमारे लिए अभिशाप होते हैं। हमें एक छोटे से पिंजरे में बंद कर देते हैं और हमें उसमें दाना पानी देते हैं। हमें तो आसमान में उड़ना पसंद है, लेकिन ये इंसान हमारे पंख तक काट देते हैं। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हें तोता बनना चाहिए? यह सब सुनकर कौवे को पसीना आने लगता है और वो वहाँ से विदा लेता है। फिर उसे ख्याल आता है कि मुझे चिड़िया बन जाना चाहिए और वो अपने दोस्त चिड़िया के पास जाता है। और कैसी हो दोस्त, तुम्हारा ही अच्छा है। जब तुम बीमार पड़ती हो तो लोग तुम्हें खाना पानी देते हैं। तुम्हारी आवाज़ भी प्यारी है, जबकि मैं काए काए करता हूँ तो पत्थर मारकर लोग उड़ा देते हैं। हाँ, तुम्हारी बात सही है। काश भगवान ने मुझे भी चिड़िया बनाया होता। ये क्या बोल रहे हो, कौवा होने में क्या बुराई है, चिड़िया बनने में क्या बुराई है? तो सुनो, हम लोग कीट पतंगों को खाते हैं। खेत में जो कीड़े होते हैं उन्हें मारने के लिए इंसान दवाई का छिड़काव करता है, जिससे ये कीड़े मर जाते हैं और हम इन कीड़ों को खाकर बीमार पड़ जाते हैं। इन कीड़ों को खाने से हमारे शरीर में ये जहर फैल जाता है, यहाँ तक कि हमारी नस्लें भी खत्म हो जाती हैं। अच्छा ठीक है, ज़रूरी थोड़ी है कि खेत में कीड़े ही खाओ, लेकिन जो लोग तुम्हारी तरह घर में रहते हैं उन्हें तो इंसान खाना देते हैं। ठीक है, तुम एक काम करो, पूरे मोहल्ले में जाकर देख लो कितने लोग हम लोगों के लिए छत पर दाना पानी रखते हैं। गर्मियों में हमें ऐसा घर ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। कम से कम तुम तो मरे हुए जानवर का मांस खा लेते हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। इंसान हमें तब तक ही प्यार करते हैं जब तक हम उनके घर में घोंसला नहीं बनाते हैं। अगर घोंसला बना भी लेते हैं तो हमारा घोंसला फेंक देते हैं इंसान। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि हम चिड़ियों का जीवन बहुत आसान है? अच्छा ठीक है,
लेकिन ये बताओ, जब तुम बीमार पड़ते हो तो ये इंसान तुम्हें खाना देते हैं, लेकिन मैं बीमार पड़ता हूँ तो मुझे तो तुम्हारी तरह कोई खाना नहीं देकर जाता। इस तरह से तुम्हारा जीवन मुझसे बेहतर हुआ ना। ये जो दाना देख रहे हो, इसे उगाने के लिए इसमें इतना सारा केमिकल किसान ने डाला है कि इसे खाकर हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। ये हमारी मजबूरी होती है कि इसे न चाहते हुए भी हमें खाना पड़ता है, फिर भी तुम्हें लगता है हम लोग मजे में रहते हैं। तो क्या बनाऊं तुम्हें, तोता या चिड़िया? मुझे लग रहा है कि मैं कौवा ही ठीक हूँ। यही बात है कि तुम जीवों को हमेशा दूसरों का जीवन अच्छा लगता है। तुम दूसरों की तरह बनना चाहते हो और दूसरे तुम्हारी तरह। जब दूसरों की परेशानी सुनते हो तो अपनी तकलीफ कम लगती है कि इच्छा कभी पूरी नहीं होती, वो हमेशा समय के साथ बदलती रहती है। आज ये चाहिए तो कल कुछ और, इसलिए संतुष्ट रहो, जो बनाया है उसमें खुश रहना सीखो। प्यारे बच्चों, वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।